महिषासुर नामक राक्षस ने तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर ली थी क्योंकि उसे वरदान था कि केवल एक स्त्री ही उसका वध कर पाएगी। इस समस्या के हल के लिए ब्रह्मा, विष्णु, शिवा और बाकी कई देवता गणों ने अपनी शक्तियां मिलाई, जिससे ऋषि कात्यायन के घर एक पुत्री का जन्म हुआ। इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ गया और आगे चल के वे ही माता दुर्गा के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। माता दुर्गा ने ही फिर आगे चल के महिषासुर से 9 दिन तक युद्ध कर उसका वध किया था। माँ दुर्गा को 10 हाथों के साथ दर्शाया जाता है। इनके 10 हाथ ये दर्शाते हैं कि वह अपने भक्तों की 10 दिशाओं से रक्षा करते हैं। इनके पास अलग अलग प्रकार के हथियार हैं और हर हथियार का अलग महत्व है, जैसे कि त्रिशूल भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को दर्शाता है। विष्णुदेव द्वारा दिया गया सुदर्शन चक्र ये दर्शाता है कि माता दुर्गा ही इस संसार के चलते रहने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं, और ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया कमंडल पवित्रता, ज्ञान और प्रकाश को दर्शाता है। माँ दुर्गा के पास इस ब्रह्मांड के सभी सबसे ताकतवर हथियार हैं और इसीलिए उन्हें माँ शक्ति के नाम से भी जाना जाता है।